मुख्य जो मुद्दा है वह है समाज को नशा मुक्त करने का। जितने भी दारू के ठेके थे उनको मिलाकर एक गुड़गांव शहर बना दिया गया। आज ग्राम को विकास के नाम पर सिर्फ लूटा गया है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का जो संकल्प है पूरे गुरुग्राम को नशा मुक्त किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे द ग्राउंड न्यूज, मैं हूँ आपके साथ विनोद कुमार। अगर हम बात करें युवा की तो बहुत सारे युवाओं की कोशिश होती है, खास करके जिनकी पॉलिटिक्स में दिलचस्पी हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी की झंडा उठा ले और कोई रैली में शामिल हो जाए। कई युवा तो ऐसे होते हैं अगर उनके लीडर के साथ सेल्फी मिल जाए उसी में खुश हो जाते हैं। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे युवा मौजूद है, आकाश व्यास, जो काफ़ी यंग है और लोकसभा इलेक्शन 2024 में गुरुग्राम से कॉन्टेस्ट कर रहे निर्दलीय। आकाश जी, क्या मन में आया, लगा कि लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए? जी बिल्कुल, गुरुग्राम में लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के द्वारा। और मुझे जो मुद्दा है वह है समाज को नशा मुक्त करने का, क्योंकि गुड़गांव अगर हम कहें तो 7 टापुओं को मिलाकर एक बम्बई शहर बना, और जितने भी दारू के ठेके थे उनको मिलाकर एक गुड़गांव शहर बना दिया गया। आज वास्तव में देखा जाए तो युवा आज नशे से ग्रसित हो रहा है, नशे में डूबता जा रहा है। इसीलिए एक युवा प्रत्याशी का आना गुरुग्राम लोकसभा के लिए निश्चित ही एक उत्तम बात रहेगी। और मैं भी चाहूँगा कि समाज हमें सहयोग करे, क्योंकि नशा एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ एक परिवार को नहीं पूरे के पूरे समाज को नष्ट करके रख देती है। जी बिल्कुल। तो आप जब चुनाव मैदान में हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, आपको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और आपके लिए कितना मुश्किल या आसान है जरा? निश्चित ही मुश्किल तो रहता ही है, क्योंकि जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं वह अपने अपने मैनिफेस्टो में अलग अलग प्रकार के प्रलोभन समाज को देने का प्रयास करते हैं। परंतु अगर वास्तविकता में देखा जाए तो पिछले 10-12 सालों में, 15 सालों में ग्राम को विकास के नाम पर सिर्फ लूटा गया है, किसी प्रकार का विकास नहीं किया गया। अगर मैं मेट्रो की बात करूं, अगर मैं सड़कों की बात करूं, अगर मैं पानी की बात करूं, अगर मैं जल निकासी की बात करूं, या मैं किसी भी मुद्दे को लेकर बात करूं, आज तक गुड़गांव के अंदर विकास के नाम पर सिर्फ विभिन्न पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में जो भी वादे किए उनको बिल्कुल पूरा नहीं किया है। लेकिन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जो कहती है वह करती है, क्योंकि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशियों में, कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में करनी और कथनी में अंतर नहीं है। तो अभी जब आप ग्राउंड पे जा रहे हैं, लोगों का कैसा समर्थन मिल रहा है और किस तरह से आप जनसंपर्क कर रहे हैं? बिल्कुल, समाज में हमें समर्थन मिल रहा है, गुड़गांव में हमें समर्थन मिल रहा है, क्योंकि आज जो हमारा विषय है, जो हमारा मुद्दा है वह है नशा मुक्ति। और समाज आज नशे से ग्रसित है, महिलाओं का, बहनों का, मातृशक्तियों का हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो घर में प्रताड़ित होती हैं वह महिलाएं होती हैं, उनके बच्चे, उनके पति, उनके परिजन नशा करके आते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रताड़नाएं महिलाओं को करते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा समर्थन हमें मातृशक्ति का मिल रहा है और मुझे आशा भी है कि मातृशक्ति का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा। तो आप अगर जीत के आते हैं तो नशा मुक्ति के लिए किस तरह के कदम उठाएंगे? सबसे पहले तो 24 घंटे के अंदर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का जो संकल्प है पूरे गुरुग्राम को नशा मुक्त किया जाएगा। उसके बाद विभिन्न तरीके से अवैध शराब और जो लाइसेंस देकर शराब के ठेके खुलवाए जाते हैं उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से बस यही कहना चाहूँगा कि आप जब 25 मई को वोट देने जाएं तो ये ना देखें कि किस पार्टी ने हमारे वर्तमान को सुधारने का प्रयास किया है, बल्कि ये देखें कि भविष्य में कौन सी पार्टी कितना अच्छा कार्य कर सकती है और मेरे और समाज के हित में कार्य कर सकती है, यह देखते हुए वोट करें। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ आकाश जी और इनका कहना है गुरुग्राम में जो मुख्य मुद्दा है वह नशा लेकर के है, युवाओं नशा की ओर जा रहे हैं जिस पे काबू पाना अत्यंत जरूरी है। कैमरा पर्सन गोल्डी के साथ विनोद कुमार, द ग्राउंड न्यूज़, गुरुग्राम।